पाले हम नजरों के पेच लड़ा ले हम लाजो। डार्लिंग तुम जानती हो ना कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं लंदन। मैं जानती हूँ और मैं भी साथ चल रही हूँ। अरे लेकिन तुम बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाके क्या करोगी पगली? तुम वहाँ पे सपना के क्या करेगी? तुम्हें कैसे मालूम सपना जा रही है? बबलू आजकल मैं तुम्हारे जेब के साथ तुम्हारी बैग भी टटोल लिया करती हूँ और उसमें से मुझे दो प्लेन की टिकट मिली है जिसमें एक में सपना का नाम है। अरे डार्लिंग सपना तो विदेशियों का दिल बहलाने के लिए जा रही है। हाँ। विदेशियों का दिल बहलाने के लिए या तुम्हारा दिल बहलाने के लिए? देखो झंझट मत करो, झंझट मत करो सवेरे सवेरे, समझे कि नहीं, वरना ये प्लेन जो है ना गिर जाएगा। अगर इस उम्र में हीरोइन के साथ प्लेन में बैठोगे तो प्लेन तो गिरना ही है। मत बहस करो, तुम जाओ मेरा सामान तैयार करो, मुझे जरूरी फोन करना है, जाओ। हेलो सपना जी, नमस्कार, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। तो शाम को आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं ना? एयरपोर्ट? वो क्या है कि अपने को लंदन चलना है ना कॉन्फ्रेंस में। कितने बजे की फ्लाइट है? वो शाम को 6 बजे की फ्लाइट है। मेरी शूटिंग है शर्मा जी। सपना जी सब गड़बड़ हो जाएगा, विदेशियों के सामने मेरी नाक नीचे जाएगी अगर आपने कहीं तो, प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सपना। व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो? ढेलू पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी कि मैंने उन शर्मा जी को कह दिया कि मैं उनके साथ लंदन जा रही हूँ। हाँ तो नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, वो नाराज हो जाएंगे ना। नाराज हो जाएंगे? अरे जो बिजी स्टार होता है ना वो दूसरों के नाराज होने की परवाह नहीं करता। लो चाय पियो। तभी तो बिजी स्टार घर में बैठा रहता है। क्या मतलब? और क्या, फिर जब स्टार ऐसी बदतमीजी करते हैं तो प्रोड्यूसर उनको पिक्चरों में नहीं लेते। ये तुम्हारे हॉलीवुड में होता होगा। क्या मतलब? यहाँ बॉलीवुड में ये सब नहीं होता है, यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। यहाँ तो जो जिसके पास टाइम नहीं है ना लोग उसी के पीछे भागते हैं। हाँ। जो बदतमीजी करता है लोग उसी की इज्जत करते हैं, उसी का बोलते हैं पापा जी तुसी टॉप हो, पापा जी तुसी पॉप हो, इंडिया दी होप हो पापा जी। ओके तब तो मैं शर्मा जी को फोन करके कह रही हूँ कि मैं लंदन जरूर जाऊंगी। फिर वही बात, एंड वक्त पर फ्लाइट मिस कर दूंगी। दो प्रेमियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ए, कोई अच्छी खबर पढ़ो चिंटू। अच्छी खबर यानी? अरे अच्छी खबर यानी जो पढ़कर तुझे खुशी हो जाए। अच्छा हाँ। कल रात एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। चिंटू ये खबर सुन के मुझे अच्छा लगा। चुप बैठो, कोई खिलौने की खबर हो तो पढ़ो, नहीं तो रहने दो। हाँ है ना, कल लंदन जाने वाला एक हवाई जहाज समंदर में गिर गया, सब लोग मारे गए। लंदन जाने वाला? देखो तो। अरे हाँ केशु, केशु क्या है, क्या है कुकी? केशु कल तुम्हारे शर्मा साहब लंदन जाने वाले थे ना? हाँ वो लंदन पहुंच भी गए होंगे। मुझे जरा पढ़ो पढ़ो। हाँ? लंदन जाने वाला हवाई जहाज समंदर में गिर गया, फ्लाइट नंबर 1121, सब लोग मारे गए। अरे केशु तुम पागल हो गए हो क्या, हंस क्यों रहे हो? मिल गया। क्या? मुझे प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन मिल गया, गया केशु? शर्मा का बच्चा गया, मुझे प्रमोशन मिल गया केशु। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल जो हमारे बीच थे आज आज वो हमारे बीच नहीं है। कल जब वो हवाई जहाज से बैठ के निकले तब किसने सोचा था कि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शर्मा साहब अभी भी हमारे बीच है, वो यहीं कहीं है और हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ। चुप बैठो यार, चुप बैठो। अरे ये कौन श्रद्धांजलि में डिस्टर्ब कर रहा है? लगता है अपनी कार्बन फैक्ट्री से कोई वर्कर श्रद्धांजलि के लिए आया है। अरे चुप बैठो ना यार। ए काले नौकर ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। चुप। लेडीज एंड जेंटलमैन, शर्मा जैसा बॉस कहीं नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। इतने साल वो हमारे बॉस रहे
फिर भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मेरा मतलब है उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन बरसों तक हमारी कंपनी को घाटे में चलाते रहे फिर भी हमारे पगार देते रहे। चुप। अगर आज शर्मा साहब हमारे बीच में होते तो यहां बैठ के जरूर कुछ बोलते, क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि में भाषण देना बहुत ही पसंद था। क्यों चिल्ला रहा है तू? बाहर चल, चल बाहर, नहीं बाहर चल, चल बाहर, अरे बाहर चल, गेट आउट, गेट आउट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से मैं यहाँ का बॉस हूँ। अब वो कोई इंडिसिप्लिन नहीं चलेगी जो शर्मा के राज में चलती थी, समझे? तालियां। मिसेस शर्मा, रोने से कोई फायदा नहीं, जाने वाले कभी वापस नहीं आते। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, उन्होंने मुझे कहा था मैं एक घंटे के अंदर जरूर। मिसेस शर्मा, आपने मुझे चौथी बार गिराया। मैंने आपसे कितनी बार कहा जाने वाले वापस नहीं आते। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि एक घंटे के अंदर वापस आके तुम्हारे सिग्नेचर ले जाऊंगा। सिग्नेचर? आप किसकी बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस एजेंट की। ओ केशव, ये आ गया इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट आ गया। आप आ गए। कितना इंश्योरेंस मिलेगा? देखिए, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट और विमान कंपनी का कॉम्पेंसेशन मिला के आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख? लेकिन 5 लाख मेरे किस काम के? मुझे मेरा पब्लो ना कर दो। मिसेस शर्मा, आपका बेटा भी हवाई जहाज में था क्या? नहीं। तो फिर ये बबलू कौन? आपके बॉस। ओ अच्छा, वो टकलू की बात कर रहे हैं आप? टकलू नहीं, बबलू। हाँ, बबलू, बबलू। मैं उसे प्यार से बबलू बुलाया करती थी। ओके ओके। लंडन की। ये, अरे तू यहाँ भी आ गया? गोखले, ये काला कार्बन यहाँ क्या कर रहा है? निकालो उसे, निकालो। एक मिनट। शर्मा के घर में घुसते। मिसेस शर्मा, ये इंश्योरेंस एजेंट आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बोलो बोलो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे मेरा बाप। अरे मिसेस शर्मा, ए भैया, एक काम कर भैया एजेंट, तू 4-5 दिन के बाद आना, या तो तेरे पैंट शर्ट फट जाएंगे। तू जा जा। नहीं, याने सिग्नेचर कहाँ पर करनी थी? नहीं, लेकिन हम आपको अभी पैसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बबलू तो टाइम से प्रीमियर भरा करते थे। नहीं, लेकिन उनकी अभी बॉडी नहीं मिली ना। अरे बॉडी तो उस हवाई जहाज की भी नहीं मिली जो समुद्र में गिर गया था। हाँ। टकलू की बॉडी कैसे मिलेगी? लेकिन जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। अरे कैसे नहीं दे सकते? 5 लाख क्या मुफ्त में आ जाएगा? क्यों जी? मिसेस शर्मा, आप मातम मना रही है। क्या है? मन बोली मनता है। एक मिनट, अब बोलिए प्लीज। ओ थैंक यू मैडम, आपने मुझे बोलने लायक बना दिया, अब मुझे दिखने लायक भी बना दो, मुझे काले से गोरा कर दो ना। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे इतने काले लोगों का इलाज नहीं किया जाता। काला नहीं हूँ मैं, शाहरुख खान की तरह गोरा हूँ रे। वो करना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो फेशियल, वो क्या बोलते, फेशियल ब्लीचिंग। हाँ। अरे नहीं नहीं, आपको बफिंग पॉलिशिंग करके भट्टी में डालना पड़ेगा। भट्टी में? हाँ। भट्टी में क्यों? जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को करते ना वैसे। तेरे को क्या स्टेनलेस स्टील का लोटा नजर आता हूँ? बोल। ए मिस्टर, देखो करना हो तो करिए, नहीं तो जाइए प्लीज। नहीं, तुम चूल्हे में डालो, भट्टी में डालो, किचन में डालो, कहीं भी डालो, लेकिन मुझे गोरा बना दो। रोजी मैडम, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल मत डरना। अच्छा। क्या हुआ?
काम पसंद आया ना? अरे काम तो पसंद आया, लेकिन ये चेहरा पसंद नहीं आया। ये चेहरा मेरा दिखता ही नहीं है। मगर आप ही ने तो कहा था कि ब्लीचिंग करो। कौन सा पाउडर यूज किया तुमने? टॉयलेट साफ करने वाला? क्यों, क्या हुआ? देखो ना मैं कितना गोरा हो गया हूँ। इतना गोरा मैं पहले कभी था ही नहीं। तो अच्छा है ना कि आप और अभी हैंडसम लगेंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा काला कर दो। अरे दो दिन धूप में घूमोगे तो अपने आप ही काले हो जाओगे। पक्का? पक्का। वो भूत बना हुआ आदमी आपके बेडरूम में एंटर करता है, आप उसको देखकर घबरा जाती हो। राइट से एंटर करता है कि लेफ्ट से एंटर करता है? वो राइट, हाँ राइट से, राइट से। ओके, राइट से एंटर किया। वो एंटर किया, आप उसको देखकर घबरा जाती हो, डर जाती हो और चिल्लाने लगती हो, भूत भूत भूत। डायलॉग क्या है? डायलॉग बूट बूट बूट। That's it. तो टेक कीजिए ना, come on. Yeah, ready madam? Yeah. Silence. बूट बूट बूट. Yeah. Silence. Start sound. Camera. Running. Action. बूट बूट बूट. Ready. Okay. बूट. बूट. ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कोकी जी, सपना जी, इतने रात गए क्यों फोन किया? कोकी जी बी केयरफुल, वो शर्मा जी की आत्मा है ना, वो भूत बन के भटक रही है। क्या? क्या है, किसका फोन है? केशव पहले चश्मा सीधे पहनो। सॉरी, किसका फोन है कोकी? सपना जी का फोन है। अरे तो मुझे देना चाहिए ना। बोलिए सपना जी, क्या प्रॉब्लम है? केकू जी, आपके बॉस है ना शर्मा जी, उनकी आत्मा भूत बन के भटक रही है। आज मेरे स्टूडियो में आई थी। वो बस आपके घर की तरफ गई है, किसी भी वक्त आपकी बेल बज सकती है। बेल बजी? तो मैंने सुना, कौन आया होगा? डोंट वरी कोकी, डोंट वरी, मुझे लगता है दूध वाला होगा। रात के 2:30 बजे दूध वाला आएगा, इस वक्त तो भैंसे भी सोई होगी। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा लॉक करो। नहीं नहीं, अंदर वाला, बेडरूम वाला। केयरफुल है। मैं देखता हूँ। राम 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 राम। कहाँ गया था इतनी रात गए? पिंकी के साथ टेरेस पे। टेरेस पे? टेरेस पे क्या कर रहा था? बर्थडे पार्टी थी ना। ओ, बर्थडे पार्टी, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। डरा दिया। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कमाल है, कोई भी तो नहीं है, मैं खामखा डर गया। कुलकर्णी बेटे, कुलकर्णी। हेलो, मैं नारायण कुलकर्णी केशव बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी, मैं केशव नारायण कुलकर्णी बोल रहा हूँ। जिंदा है, जिंदा है। क्या बोल रहे हो आप? शर्मा साहब की आत्मा जिंदा है। आपको बराबर पता है कि वो आत्मा है और शर्मा जी खुद है? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? अगर शर्मा जी खुद हुआ है तो मेरे इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए मुझे नहीं मिलेंगे। कैसे भी करके एक बार ये 5 लाख रुपए मुझे मिल जाए, मैं उसमें से आपको 1 लाख रुपए दे दूंगी। कौन आया? जिंदा है, जिंदा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मरकर भी जिंदा हो, लेकिन बबलू तुम्हें ना मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत बहुत आराम से जी रही हूँ बबलू, अब तुम जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो राजू। बबलू तुम मर गए हो, मैं तुम्हें अंदर कैसे आने दूँ? देखो देखो, सुनो राजू सुनो, मुझे अंदर ले लो, अंदर ले लो राजू। नहीं बबलू, तुम मर चुके हो और तुम कितना कितना मेरे लिए छोड़ गए हो, ये इतना अच्छा फ्लैट, 5 लाख रुपए, देखो मैं इनके सारे जी लूंगी, अब तुम जाओ। ठीक है, अब तुम देखोगे तो क्या, मैं मेरी लाश देखोगी लाडो। लाश? अच्छा याद आया, बबलू बबलू तुम्हारी लाश कहाँ है? ढूंढती रह जाओगी। अरे वो शर्मा का बच्चा तो जिंदा है। क्या कह रहे हो? हाँ, वो कल रात को मेरे घर आया था।
तो फिर? अरे मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। बाद में उसकी बीवी को फोन करके बताया कि तेरे शर्मा की आत्मा जिंदा है। ये तूने अच्छा किया। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलेगा गोखले? एक ना एक दिन तो शर्मा का बच्चा वापस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रमोशन गया। और मिसेस शर्मा का 5 लाख रुपया भी? अरे वो तो कब से बेचारी आंखों में तेल डालकर शर्मा की डेड बॉडी का इंतजार कर रही है। यार केशव, मरने के बाद फालतू आदमी की कीमत भी कैसे बढ़ जाती है ना। लेकिन इसके लिए फालतू आदमी को जिंदगी भर प्रीमियम भरना पड़ता है। केशव, 5 लाख रुपया लेकर मिसेस शर्मा क्या करेगी? सबसे पहले तो वो मुझे 1 लाख रुपया देंगी कमीशन। ओहो, 1 लाख रुपया लेकर तुम क्या करोगे? मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा गोखले, लखपति बन जाऊंगा। और बाद में लंच आवर्स में ऐसा नारियल पानी पीना छोड़ दूंगा। ये क्या हुआ गोखले? लगता है तूने नारियल से किसी का नारियल तोड़ दिया। शर्मा, शर्मा जी। पीछे भी कोई गया। मरने दे, इस वक्त शर्मा जी इंपॉर्टेंट है। शर्मा जी क्या हो गया? गोखले, मुझे लगता है शर्मा की आत्मा फिर से ऊपर चली गई। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। शोर मत करो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये बात भी सच। गोखले, वो देख, सामने अस्पताल है। चिल्लाने का नहीं। मैं किसी डॉक्टर को पढ़ा कर ले आता हूँ। ओके, अभी आया। ओके। तू डॉक्टर है? हाँ, क्यों नहीं? तू पेशेंट जैसा लग रहा है, इसलिए पूछा। क्या बात करता है साहब, पेशेंट तो इधर बैठा है, डॉक्टर तो मैं हूँ। ओके, ये ले, ये ले। तो एक छोटा सा ऑर्डर लेगा क्या? लूंगा ना साहब, एक पेशेंट को चेक करना है। कहाँ है वो? देख, वो सामने खड़ा है। लेगा? लेके उसको इधर लेके। हाँ, ले। अच्छा, अरे फिर इसका क्या करेंगे? ये अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा, चल भाग। हो गया ना ठीक? ठीक हो गया, बुला उसको। ओके, तू सिटी बजा सकता है क्या? आराम से बजा गोखले। डॉक्टर चेक करो। Oh no! क्या हुआ? He is no more. गोखले, he is no more. केशव, no more. लेकिन अब इसका क्या करें? उसको यही रख के भाग जाते हैं। डॉक्टर बैठ जाइए। क्या हो रहा है इधर? कुछ नहीं, हमारा दोस्त है, सो रहा है। इतना बड़ा दोस्त कैसे होगा? मैं इसके अंकल है, वो केतली में है। हाँ, ये इसके मामा है। कल मामा है क्या? रिलेशन क्या? तुम दोनों कौन हो? हम दोनों कौन है? हम दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई भाई। चलो 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 भाई चलो भाई चल भाई चल भाई जोर लगा के। लगता है दाल में कुछ काला है। सब That jade is no more. Hey, pagal! Hey, what? Hey, pagal! 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 Hey, पागल! Hey, pagal! 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 Hey, तो क्या करें? नहीं, उनसे कह दो कि बॉडी ऐसी जगह रखे कि वहां से लगे कि वो प्लेन क्रैश में गए हैं। अच्छा, कुलकर्णी जी, आप बॉडी को साफ कर समंदर के किनारे रख दीजिए। ओके ओके, गोखले काम करते हैं, लाश को उठाकर समंदर किनारे ले जाते हैं। चलो 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 चलो। ये देखो, मैं क्या ला, क्या बात है, आज हंस रहे हो? और गोखले भी साथ में आए हैं। अरे वाह, कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं, ये कौन है? कोई साधु बाबा आए हैं? नहीं नहीं नहीं। तो कौन है? केशु, केशु शर्मा जी का भूत यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ है भूत? अरे ये क्या है? भाभी जी, ये भूत नहीं है। तो फिर कौन है? अरे ये तो भूत बनने के पहले का स्टेज है। यानी? ये डेड बॉडी है। तो अपना हमारे घर क्या कर रहे हैं? डेड बॉडी उठाओ, इसे लेकर जाओ। हाँ लेकर जाते, लेकिन पहले जरा चाय तो पिलाओ इसे, लाश को। नहीं नहीं, हम दोनों को। केशु, केशु घर में डेड बॉडी पड़ी और तुम्हें चाय चाहिए? उठाओ इसे, उठाओ इसे, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ओके ओके, जरा हाथ दो, जरा हाथ। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, उठाओ इसे। ओके 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 ओके, come on केशव, जोर लगा के। तू ही तो बोला। मैं बोला? हाँ। नहीं, मैं तो नहीं बोला। चलो फिर से ट्राई करते हैं। जोर लगा के, जोर लगा के। अरे कहाँ जा रहे? किस तरफ जा रहे? किस तरफ जा रहे? शर्मा का बच्चा हेवी है। चल चल जल्दी कर, चल 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 चल, जोर लगा के। जोर लगा के, जोर लगा के। तो क्या कर रहा है इंडियन? थर्ड गियर में डाल, थर्ड गियर में डाल। एक मिनट, जोर लगा के, जोर लगा के। फिर से क्यों करते?
जल्दी कर। इंस्पेक्टर फर्स्ट गियर में डाल, फर्स्ट गियर में डाल, जल्दी कर, जल्दी कर, बिल रुबा के घर ले चलती है। कम ऑन, सपना जी थोड़ी देर के लिए इस लाश को यहाँ बिठाना है। बिठा, मैडम 5-10 मिनट का सवाल है। सपना जी, सपना जी, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है। अगर पुलिस को इनकी बॉडी मिल गई तो मिसेस शर्मा के 5 लाख रुपए और मेरा 1 लाख रुपया पानी में चला जाएगा और हम लोग जेल में। पुलिस क्या हो रहा है? ये हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। मेहमान? ये कौन है? ये इनके इनके पिताजी हैं। इनके दादाजी हैं। अरे फिर हम दोनों कौन हो? अरे एक बार तो कहा हम दोनों भाई भाई हैं। प्लीज इनको यहाँ से ले जाइए। ओके गोखले, काम करते हैं, इनको खुले मैदान में छोड़ के हम कहीं भाग जाते हैं। चले मुर्दे, हाथ दे, हाथ दे, चल चल चल, जल्दी कम पे, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, किशोर जल्दी जोर लगा के। मैडम, क्या आप इन्हें जानती है? इन्हें कैसे नहीं जानूंगी, ये तो मेरे पति बबलू है। अरे लेकिन थोड़ी देर पहले ये आदमी किसी और के घर में था। शांत हो जाइए मिसेस शर्मा, प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? गोखले जी, केशव जी, देखिए देखिए मेरे बबलू मेरे सामने किस हालत में आए हैं। मत लगाइए, हम मत लगाइए। अरे ये तो फिर भी ठीक है मिसेस शर्मा, वरना हवाई जहाज से गिरने के बाद आदमी की शक्ल तक पहचाननी मुश्किल हो जाती है। ये लीजिए इंश्योरेंस के पेपर, साइन कर दीजिए, हम आज ही क्लेम करने इसे रहने दीजिए। मैं मेरे बबलू को गौर से देखना चाहती हूँ। कितना देखती है? गोखले जी, केशव जी, देखिए देखिए वो वैसे के वैसे ही है। समुंदर में गिरने के बाद भी? अरे मछलियों ने टेस्ट तक नहीं किया, ना जाने इन्होंने कितनी मछलियां खाई होगी। चलो बाजो डो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है हवलदार। भगवान, भगवान, मुझे मेरा बबलू लौटा दो। लौटा दिया? क्या तुम जिंदा हो? हाँ मेरी सावित्री, तेरा सत्यवान कैंसल। चल यार, खाली पीली टाइम की बर्बादी। चल मैडम, अब आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल सकते।